भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। 51 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बनने की खुशखबरी उन्होंने जनता को सुनाई। आपको बता दें कि मनोज तिवारी की दो शादियां हो रखी हैं। हालांकि मनोज तिवारी उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी को साल 2012 में तलाक दे चुके हैं। तलाक के 8 साल बाद साल 2020 में 50 साल की उम्र में मनोज तिवारी ने रचाई सुरभि तिवारी के साथ दूसरी शादी। अब मनोज तिवारी की 3 बेटियां हैं, जिनमें से पहली पत्नी रानी से उन्हें एक बेटी है जिनका नाम रीति तिवारी है। मनोज तिवारी और रानी तिवारी के तलाक के बाद रीति तिवारी अपने पापा के साथ रह रही हैं और मनोज तिवारी की दूसरी पत्नी सुरभि तिवारी से भी उन्हें एक बेटी है और हाल ही में सुरभि तिवारी ने एक और बेटी को जन्म दिया है। बता दें कि मनोज तिवारी की पहली बेटी रीति तिवारी को अपने पापा की तरह गाने का काफ़ी शौक है। बात करते हैं रीति तिवारी के सोशल मीडिया की, तो रीति तिवारी ने अपना पूरा सोशल मीडिया सिंगिंग से भरा हुआ है। जितनी खूबसूरत रीति तिवारी खुद हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है। बता दें कि अपने पिता की तरह रीति तिवारी ने भी बहुत छोटी सी उम्र में प्रसिद्धि हासिल की है। रीति तिवारी जूनी कंपनी की फाउंडर भी हैं। भले ही उन्होंने अपने आप को एक्टिंग से दूर रखा, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री मारते ही बॉलीवुड की कई हीरोइंस को टक्कर दे रही हैं रीति तिवारी। तो ये थी मनोज तिवारी की और उनकी बेटियों के बारे में कुछ खट्टी मीठी बातें।